जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र राधेश्याम मिश्र जी कहते हैं, राम उमा सब अंतर्यामी। मुझे वह घड़ी याद है जब श्री घनश्याम दास ठाकुर ने मुझसे कहा, मिसिर एक बार वृंदावन चल मेरे साथ। मैंने कहा, ठाकुर चलने की तो बड़ी इच्छा होती है परंतु बाबा से आज्ञा मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं तुम्हें आज्ञा दिला दूं तो तू तैयार तो है, ठाकुर जी ने मुझसे कहा। मैंने कहा, ठीक है। मेरे सामने ही ठाकुर जी ने बाबा से कहा, बाबा एक बार मिसिर को वृंदावन ले जाना चाहता हूं। ठाकुर जी बाबा से कहा करते, बाबा यह मिसिर रामकृष्ण परमहंस का राखाल है। ठाकुर जी की बात सुनकर बाबा ने कहा, अरे ठाकुर यह राम भक्त है, इसे वृंदावन ले जाकर क्या करोगे। मेरी सेवा से इसे नहीं ले जाना चाहिए। ठाकुर जी चुप हो गए। ठाकुर जी ने कहा, मिसिर तुम्हें बाबा नहीं जाने देंगे, तू बड़भागी है, तेरे ऊपर बाबा की कृपा बरस रही है, लूट ले। मेरा प्रतिवर्ष माघ मास में प्रयाग जाने का नियम था। उस समय बाबा मुझे 10 दिन की छुट्टी देते थे, अन्य किसी तीर्थ के लिए नहीं देते। मैं प्रयाग से चतुर्थी को आ जाया करता था। वसंत पंचमी को मेरे बाबा मुझे वाटिका में रखना चाहते थे। एक बार मैं चौथ को प्रयाग से वापस आया, बाबा महाराज जी की कुटिया के पीछे चौकी पर विराजमान थे। डॉक्टर एलडी सिंह और विष्णुहरि डालमिया बैठे थे। मैंने प्रणाम किया। बाबा ने कहा, आ गए, कल वसंत पंचमी है, विष्णु जी गिरिराज जी का भोग लगाते हैं। बाबा लेटे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम गंगा मैया से कुछ मांगते हो, क्यों प्रयाग जाते हो। जैसा कि प्रयाग से आने पर कभी नहीं पूछते थे। मैंने कहा, बाबा मांगता तो हूँ परंतु इस बार मांगना बदल गया। क्या हुआ, बाबा ने पूछा। मैंने कहा, बाबा अन्य वर्षों में तो मैं गंगा मैया से मांगता था, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे, परंतु इस बार वह बदल गया। मैंने श्री गंगा मैया से मांगा, बाबा राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। बाबा सुनकर मुस्कुरा दिए। ऐसे थे मेरे बाबा राम, जो सदा अपने दास के साथ सदा रहते, उसकी हर गतिविधि का ध्यान रखते। मैं तो उनके इस प्रश्न पर कि गंगा मैया से क्या मांगते हो गदगद हो गया। मेरे अंतर्यामी सदा मेरे साथ रहते हैं, इस विश्वास की गांठ ऐसी मजबूत हो गई कि मैं चाहूं तो भी नहीं छूट सकती। इससे एक बात तो मन में दृढ़ हो गई कि इनसे कभी कपट मत करना, ये अंतर्यामी है। पूज्य बाबा कहा करते थे, जिसको पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं, उसमें दोष दिखते भी हैं तो उसे किनारे कर देता हूं, उसके दोषों पर ऊपर से देखने में ध्यान देता हूं पर अंदर से समाप्त कर देता हूं। बाबा अपने सेवक का सब प्रबंध स्वयं करते रहते थे। बाबा राधा अष्टमी, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और महाशिवरात्रि, इन चारों पर्वों को अपना कहते थे। वे मुझसे कहते, कहीं भी रहो इन चार तिथियों पर वाटिका अवश्य आ जाया करो जब तक मैं हूँ। एक बार वैशाख के महीने में मेरे 2 पुत्रों राम शिरोमणि और मदन के विवाह पड़े। एक लड़के के विवाह की तिथि अक्षय तृतीया और दूसरे की तिथि कुछ दिन बाद की थी। एक हफ्ते के अंदर दोनों लग्न थे। क्योंकि मैं बाबा की सेवा छोड़कर ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकता था, ऐसा घर वाले जानते थे। विवाह का प्रबंध मुझे नहीं करना पड़ता था, मैं तो केवल मेहमान की तरह घर आ जाता था। सब प्रबंध मेरे पिताजी, माताजी, बड़े भैया और अवधेश करते थे। मैंने बाबा को बताया, बाबा 2 लड़कों का विवाह घर पर पड़ा है, जिसमें एक तो अक्षय तृतीया को ही है।
बाबा ने कहा, इसमें तुम्हें जाना है क्योंकि अभी तुम गृहस्थ हो, न जाने पर संसार हंसी करेगा। उन्होंने कहा, ठीक है तुम जाओ। तुम अपना एक कपड़ा जो पहनते हो उसे हमें दे जाओ, उस कपड़े को लेकर उस दिन गिरिराज जी पर पूजा कर दूंगा, तुम्हारी उपस्थिति मैं स्वीकार कर लूंगा। मेरी असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई। मैंने अपना एक कपड़ा बाबा को दे दिया। सब बताते हैं कि बाबा ने गिरिराज जी का पूजन अपने कपड़े और मेरे कपड़े को साथ रखकर किया। कौन है जो सेवक का साज ऐसे सजाएगा? इसलिए तो कहता हूँ कि दुनिया के लिए बाबा थे, परंतु मेरे तो राम थे, परंतु मेरे तो राम थे। एक दिन प्रातःकाल का समय था, जाड़े का महीना था। मैं बाबा को नित्य का पाठ सुनाकर बैठा था। बाबा मच्छरदानी में विराजमान थे। भगत जी अपना इधर उधर का कार्य कर रहे थे। एक साधु आया, बैठ गया। मुझे लघु शंका लगी, मैं चला गया। लौटकर आया तो देखा कि जो कंबल बाबा को ओढ़ाया था वह कंबल बाबा के शरीर से उतार कर वह साधु चार परत करके उसी पर बैठा था। बाबा वहीं बैठे थे। मैंने साधु से पूछा, यह कंबल? उसने कहा, बाबा ने दिया है। मैं क्या बोलता, क्योंकि बाबा सामने बैठे सुन रहे थे, देख रहे थे। मैंने दूसरा कंबल बाबा को ओढ़ाया, वह साधु कंबल बगल में दबाए चला गया। इसी बीच भगत जी आ गए। मैंने भगत जी से उस साधु की बात बताई। भगत जी ने कहा, वह ठग है, पकड़िए उसे। जब तक हम जाते वह वाटिका से बाहर चला गया था। आकर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आपने वह कंबल उसे दिया था? बाबा ने कहा, नहीं, उसने मेरे शरीर से उतार कर ले लिया। मैं उसे कैसे रोकता कि तुम मत उतारो? मैंने कहा, मैंने उससे आपके सामने पूछा था। उसने कहा, बाबा ने दिया है, तब भी आप नहीं बोले। तब बाबा ने कहा, वह झूठा साबित हो जाता, उसे दुख होता तो क्या मैं सुखी हो जाता? उसे जरूरत थी, ले गया। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। कलकत्ते वासी रमा सरावगी ने एक दिन मुझसे कहा, मिसिर भैया, मुझे बाबा की खड़ाऊ बाबा से दिलवा दीजिए। मैंने कहा, खड़ाऊ श्री भगत जी के पास है, उनसे आप बात करें, यदि वे देने को तैयार हो जाएं तो मैं बाबा से दिलवा दूंगा। रमा जी ने भगत जी से प्रार्थना की, वे खड़ाऊ देने के लिए तैयार हो गए। दोपहर का समय था, मैं पूज्य बाबा की सेवा में था। पूर्व योजना के अनुसार रमा जी बाबा के पास आकर बैठ गईं। मैंने बाबा से प्रार्थना की कि रमा खड़ाऊ चाहती हैं आपकी। बाबा ने कहा, भगत को बुलाओ। मैं भगत जी को बुला लाया। बाबा ने भगत जी से पूछा, भगत तुम्हारे पास खड़ाऊ है? तुम्हारे पास खड़ाऊ है? भगत जी ने तो पहले से ही खड़ाऊ निकाल कर रखे थे, ले आए। बाबा ने खड़ाऊ चरणों में धारण की और रमा से कहा, ले बिटिया। रमा के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। प्रणाम कर खड़ाऊ ले ली। रमा जी को खड़ाऊ देने के बाद उन्होंने कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाली, क्योंकि वे कृपावारिधर मेरे राम खरारी थे। मुझसे पूछा, मिसिर तुम्हारे पास खड़ाऊ है? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मेरे लिए लज्जा की बात थी कि इतने दिनों से सेवा में रहने के बाद भी मैं बाबा की पादुका की सेवा से दूर था। मैं अपने मन की बात बताऊं, बाबा को पाने के बाद मेरा मन ऐसा बन गया था कि किसी वस्तु की चाह नहीं रह गई थी और इतना निश्चिंत था कि जैसे बाबा कभी बिछड़ेंगे ही नहीं। मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं करता था, उन्हें पाठ सुना दिया बस। बाबा ने भगत जी से कहा, भगत एक खड़ाऊ और ले आओ, मिसिर जी को दे देना। वे चाहते थे कि मेरे अंतर ध्यान होने के बाद इसे मेरी पादुका की याद आएगी, तब पछताएगा। बाबा ने पूछा, चाहिए? क्योंकि मेरे स्वभाव को वे जानते थे कि यह महामूर्ख है, मांगेगा नहीं। मैंने प्रणाम करते हुए कहा, कृपा कर दीजिए। भगत जी कुटिया से खड़ाऊ ले आए। बाबा ने चरणों में धारण कर कहा, लो। मैं निहाल हो गया।
प्रणाम कर मैंने पांवरी सिर पर धारण कर अपने भाग्य की सराहना मन ही मन करता हुआ मानस की यह पंक्ति दोहराता हुआ को साहिब सेवक ही निवाजी आप समा साज सब साजी। बाबा प्रतिदिन मुझसे एक अध्याय गीता का एवं विष्णु सहस्रनाम सुनते थे। इसके अलावा कितने ग्रंथ सुने याद नहीं। मेरे मन में रहता था कि बाबा मुझसे प्रतिदिन रामायण भी सुनते, परंतु यह कहना मेरे लिए संभव नहीं था। मैं अपने विचार बाबा को बहुत कम बताता था। थोड़े दिन बीतने के बाद मेरे विचार उनके विचार हो जाते। एक दिन कृपा की वर्षा हो गई। बोले, मिसिर, जैसे तुम मुझे गीता विष्णु सहस्त्रनाम सुनाते हो, ऐसे ही एक मास परायण रामचरित मानस सुनाया करो। उसका नियम बताया। मन आनंद से भर गया। मैं बाबा को रामायण थोड़ी सुनाता था, मैं तो मेरे नर रूप बाबा को उनका चरित्र सुनाता था। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।